सीट शेयरिंग पर तालमेल न होने के चलते जम्मू कश्मीर में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने ही अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आज दोपहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है उनकी तरफ से बयान आया कि कश्मीर की तीनों सीट पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और पीडीपी पहले से ही उस गठबंधन की बातचीत से बाहर थी, जिसके जवाब में अब से थोड़ी देर पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले से वो आहित हैं और पीएजीडी का अंत हो गया। यानी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद क्षेत्रीय दलों की जो घटक बनी थी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसका आज अंत हो गया है। इस अंत के साथ ही पीडीपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो मैदान में होंगी। हालांकि पीडीपी की तरफ से ये भी बोला गया कि अभी भी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत अलग से जारी रहेगी। यानी चुनाव से पहले एक बड़ा एक राजनीतिक घटना जो है वो यहाँ पे घटी है, जिसमें दो घटक दल जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव में वो साथ साथ होंगे, ठीक चुनावों की घोषणा से पहले दोनों अलग हो गए हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।